नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, सच्चाई के साथ तकनीकी ज्ञान का विस्तार, और मैं हूँ आपका दोस्त सुब्रतो। दोस्तों, अगर 2-3-4 हजार रुपए में अगर आप शेयर होस्टिंग खरीदते हैं तो वो शेयर होस्टिंग में एक से ज्यादा वेबसाइट अगर आप बना पाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है कि बहुत सारे वेबसाइट को लेकर आप एक साथ R&D करने के लिए सर्वर को यूज कर सकते हैं, या तो आपका क्लाइंट का भी कुछ वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट से आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसका होस्ट आप फ्री में कर रहे हैं आपका खुद का सर्वर में। तो चलिए, इसके ऊपर ये वीडियो है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं मेरा नेमचिप का होस्टिंग पैनल है। ये नेमचिप का पूरा पैनल है। नेमचिप का सिर्फ होस्टिंग पैनल यहाँ पे नहीं है, ये डोमेन पैनल भी है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं डोमेन लिस्ट, यहाँ पे मेरा डोमेन दिखता है, और होस्टिंग लिस्ट पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे होस्टिंग दिखता है। ओके, तो होस्टिंग लिस्ट पे पहले हम लोग चलते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप मेरा यहाँ पे स्टेलर प्लस जो प्लान है नेमचिप का, वो प्लान से यहाँ पे बुक किया हुआ है एक होस्टिंग। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सी पैनल में जाएंगे। तो ये सी पैनल को हम लोग ओपन करते हैं। दोस्तों, ये सी पैनल में जैसे ही आप ओपन होगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे फाइल मैनेजर तो रहता ही है, और इसके साथ डोमेन का भी एक एरिया रहता है। ये देखिए, डोमेन, एड ऑन डोमेन, सब डोमेन्स। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर को समझ लीजिए दोस्तों। ये है होम का रूट फोल्डर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लॉग अपडेट डॉट ईमेल, एपल डॉट टेक्निकल एक्सटेंशन डॉट कॉम, एकिन डॉट नेट डॉट इन, हेडलाइंस डॉट डिजिटल, इंस्टा फॉन्ट स्टाइल डॉट कॉम, कटप्योर डॉट कॉम, ये जितना भी है दोस्तों हर एक में वेबसाइट है। एक शेयर होस्टिंग से मैं काफी सारा वेबसाइट को चला पा रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे को एक डोमेन नेम चाहिए, तो मैंने एक फ्री डोमेन परचेज कर लिया हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि फ्री नोम क्या है, ये फ्री नोम डॉट कॉम एक फ्री डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ से आप लोग फ्री में डोमेन परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये रेडी टू कुक बोल के एक नया डोमेन मैंने अभी जस्ट परचेस किया हूँ यहाँ पे, और परचेस मैं क्यों बोल रहा हूँ, फ्री में ही मिला है दोस्तों। तो इसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अगर होस्ट करना है, यानी इस तरीके का एक फोल्डर बन जाए cartpure.com बोल के जैसे फोल्डर है, और इसके अंदर मैं होस्ट कर पाऊँ मेरा वेबसाइट को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये डोमेन सेक्शन से एड ऑन डोमेन के ऊपर क्लिक करें। एड ऑन डोमेन का पैनल जैसे ही ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे डोमेन नेम मांगता है, इसके ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए आपका डोमेन नेम जो फ्री में आप परचेस किए। और यहाँ पे देखिए सब डोमेन आ गया, डॉक्यूमेंट रूट आ गया, यहाँ पे कोई छेड़खानी करने का दरकार नहीं है। नीचे में एक ऑप्शन रहता है क्रिएट एन FTP अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस एड ऑन डोमेन। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट को FTP अकाउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप उनको FTP का क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सी पैनल है और आप आसानी से सी पैनल में लॉगिन करते हुए फाइल मैनेजर से फाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको करना होगा ऐड डोमेन। जैसे ही आप ऐड डोमेन में क्लिक करेंगे तो ये रेडी टू कुक डॉट टीके वाला जो फ्री डोमेन है, ये फ्री डोमेन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे पॉइंटेड किया हुआ नहीं है, ये पॉइंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये DNS हम कॉपी कर लेते हैं। DNS कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैनेज डोमेन में चलते हैं। ओके, मैनेज डोमेन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नेम सर्वर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए नेम सर्वर पे क्लिक करते हैं, यूज कस्टम नेम सर्वर, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा भी डाल देते हैं। अब करते हैं चेंज नेम सर्वर। तो दोस्तों, ये नेमचिप का नेम सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया आपका रेडी टू कुक डॉट टीके। ओके, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, गो बैक चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये ऐड नहीं हुआ है, मल्टी रेसिपी डॉट टीके है, लेकिन जो हमने कोशिश किया ऐड करने के लिए वो अभी ऐड नहीं हुआ है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डालते हैं जो डोमेन नेम है मेरा रेडी टू कुक डॉट टीके, इसको कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ऐड डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रूट भी आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐड डोमेन करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप ऐड डोमेन रेडी टू कुक डॉट टीके हैज बीन क्रिएटेड, और इसके साथ फ्री एक साल का HTTPS जो पॉजिटिव SSL है वो भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे फाइल मैनेजर से हम फाइल को मैनेज भी कर सकते हैं। इसको करते हैं गो बैक। फिलहाल के लिए हम लोग फाइल मैनेजर पे चलते हैं और होम डॉट रूट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आ गया है हम लोगों का जो है, ये देखिए रेडी टू कुक डॉट टीके फोल्डर आ गया है, और यहाँ पे आप लोग वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं।
चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ URL को, और देखिए यहाँ पे कुछ भी पेज अभी नहीं है, लेकिन ये आपका डिफॉल्ट जो वेब पेज है वो आपको दिख रहा है आपके सामने। तो दोस्तों इस तरह आप लोग एक शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे वेबसाइट को एक साथ होस्ट कर सकते हैं उसका डोमेन नेम से। अगर कहीं पे आपको परेशानी होता है ये करने में या कोई एरर आता है, जरूर आप मेरा इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हेल्प करने के लिए सदा तैयार हूँ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।